हाँ दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। एंड सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही न्यूज़ चल रही है और वो एकदम वायरल न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 6 महीने के लिए जो है बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जो है केस हो गए हैं। आज की अगर हम बात करें, आज फ्राइडे है यहाँ पर, और जो है 3,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया बिलीव कर रहा है कि जो है वो टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग की उन्होंने जो है अभी जो है कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, और आज के डेट में जो है 10,000 डेली के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब जब ज़्यादा टेस्ट होंगे तो जो है केस भी ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियस की बात है ना। और तो ऑस्ट्रेलिया ने आज की डेट तक, मैं अभी सिडनी के अंदर हूँ, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इसको बंद नहीं किया है, सारा कुछ खुला हुआ है जैसे एक नॉर्मल डेज में खुला हुआ था। मगर गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप जो है बाहर ना निकलने जा दें, और बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो तभी निकलें। कुछ कुछ जो नॉन इसेंशियल चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। इसके और जितनी भी रिलीजियस प्लेस थी, जितने भी टेंपल्स थे यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या कोई चर्च वगैरह है, वो सारे भी बंद कर दिए गए हैं। और गवर्नमेंट ने एक ये बोला गया है कि 100 से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे ना हो, मतलब उससे कम हो वो भी इनसाइड गैदरिंग हो सकती है, और आउटसाइड कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, है ना। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो है पूरा प्रोटेक्शन लेके ही बाहर जाएं और ऐसे ना घूमें, है ना। और एक बात ये है, कुछ दूसरे जो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं वो थोड़ा सा बंद कर दिया गया है, और अभी भी लोग जा रहे हैं, ऑफिस लोगों ने जाना बंद कर दिया है। सारे लोगों ने बोला है कि ऑफिस जो है घर से ही कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए जो जितने लोग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो हैं जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, रेस्टोरेंट टाइप के छोटे मोटे, वो सारे बंद हो गए हैं, और पब वगैरह जो है यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, स्पेशली इनमें इन जगह पर क्या होता है, लोग जो हैं जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो जो है पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं इन जगह पर, वो सारे बंद हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गई है। मगर गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी दे रही है, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है यहाँ के और जो PR होल्डर हैं उनको यहाँ पर जो है 1100 के आसपास जो है पर मंथ मिलेंगे अगले 6 महीने तक। और एक प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगा, मगर उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ यहाँ पर जो है वर्क कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं उन लोगों की। जैसे सिडनी में यहाँ पर 5 से लेकर 7 ऐसे रेस्टोरेंट अभी जो है यहाँ आज अनाउंसमेंट किया था जो इंडियंस हैं, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला गया अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप हमारे यहाँ पर आके खाना जाकर ले सकते हैं। ये टाइम मोस्टली जो है सारे रेस्टोरेंट ने जो है 5 से लेकर 7 बजे तक का टाइम दिया है। अभी ऐसा बंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सारा कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी मैं जस्ट मार्केट से आया हूँ। हाँ, मार्केट में मुझे लगता है शायद 70% पॉपुलेशन मतलब कम हो गई है, मगर अभी भी लोग जा रहे हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए मिल जाएगी। मगर थोड़ा सा कुछ क्या हो गया, कुछ चीज़ों में जो है दाम बढ़ा दिए गए हैं, स्पेशली जो इंडियंस हैं, हम लोग इंडियन जो चीज़ें खाते हैं, जो इंडियन ब्रांड हम लोग बाय करते हैं, तो वो थोड़ा सा महंगे कर दिए गए हैं। उसमें ये बोल सकते हैं हम लोग कि या शायद थोड़ा सा सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ले लेकर रख रहे हैं, या एक ये भी कारण हो सकता है कुछ लोग जो हैं मतलब जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं इस टाइप से, है ना। मगर गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है कि यहाँ पर एनफ चीज़ें हैं रहने और खाने के लिए, तो कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बताऊँगा, तो चलिए यहाँ से मैं आपको रियल सिचुएशन दिखाता हूँ। ये एक मेन रोड है और यहाँ पर जो है जैसे एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है वही चल रहा है, बट बेसिकली थोड़ा सा ट्रैफिक जो है मतलब कम हो गया है, लोग कम निकल रहे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है सिर्फ PR और सिटीज़न ही आ सकते हैं, बाकी कोई यहाँ आ नहीं सकता है। और इसके अलावा अगर कोई आता भी है, बेबन सिटीज़न भी आता है या PR होल्डर भी अगर एंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको 14 डेज तक क्वारंटीन में रखा जाएगा, है ना। बहुत सारे जो यहाँ पर आर्मी से भी हेल्प ली जा रही है, तो जो कुछ कैंप्स बनाए गए हैं कुछ जगह पर, उनको आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद अगर वो फिट होंगे 14 डेज के बाद ही उनको उनकी फैमिली के पास जाने दिया जाएगा, है ना। और कुछ कुछ स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पाएंगे, ये थोड़ा सा कर दिया गया है। और देख सकते हैं आप लोग, अभी भी लोग जो हैं पिकनिक के मूड में हैं। बेसिकली ये एक इंडियंस का एरिया है, सारे इंडियंस हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा यहाँ से पिक्चर शुरू हो रही हैं। तो सब लोग एक तरह से समझ रहे हैं छुट्टी हो गई है और पिकनिक मनाई है, लोग घूम रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी, उन्होंने बताया कि क्या गया है कि आपको जो है 1.5 मीटर की दूरी बना के चलनी है एक दूसरे के जो बंदे थे, मगर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली के हैं,
हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, वो एक साथ यहाँ पर खेल रहे हैं इस पार्क के अंदर, है ना, और इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आजकल जो है पार्क में जॉगिंग करने, है ना, या घूमने यहाँ पर आ रहे हैं। स्पेशली कुछ लोग तो इस लाइक मतलब पिकनिक की तरह हो गई है कि लोग आ रहे हैं। घर में भी आदमी कब तक रहेगा, थोड़ा सा ये भी है कि लोग जो है थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर घूम रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से नॉर्मल सी है यहाँ पर। अभी इसको पूरा पैक नहीं किया गया, पूरा बैंड नहीं किया गया है, मगर जो है एक जगह पर इकट्ठे होने पर थोड़ा सा मना किया गया, रोक लगा दी गई है कि एक जगह से आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। पर बाकी लोग नॉर्मली मॉल वगैरह खोल रहे हैं, पर नॉर्मली जितनी भीड़ होती है उससे बहुत ही कम भीड़ है वहाँ पर। और हाँ, बस यही सब है यहाँ पर। और बाकी ये जो न्यूज़ थी ये फेक न्यूज़ है। यहाँ पर अभी 6 महीने के लिए बंद नहीं किया गया है, सब नॉर्मल चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो फेक न्यूज़ पर इतना विश्वास ना करें, आप लोग भी खुद से जो वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।